यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह का टाइम है, अभी मैं यहाँ पे सिल बट्टे पे चटनी जा रही हूँ पीसने। और चटनी पीसने से पहले मैंने यहाँ पे कटोरी में जो इसका बीज और पानी होता है उसको निकाल लिया है। पहले हम लोग ऐसे ही चटनी बनाते थे और इसलिए मैंने इसको निकाल लिया ना, तो जो छींटे हैं वो नहीं पड़ेंगे। तो इसमें मैंने लहसुन डाल दिए हैं, मिर्च डाल दिए हैं। हरी धनिया के बिना टमाटर की चटनी का मज़ा नहीं आता है, बट हरी धनिया नहीं है इसमें क्योंकि गर्मी का सीज़न है और आजकल मैं प्लॉट पर भी नहीं जा रही हूँ कि उसमें हरी धनिया मतलब उगा पाऊँ। और डाली भी थी तो उसमें कुत्ते वगैरह आके पूरा वो ख़राब कर दिए। और आप देखते हैं, आज अगर मान लो टाइम मिल जाएगा तो मैं जाऊंगी। और मैंने यहाँ पे दूध रख दिया है बॉयल होने के लिए। ये दाल पक गई है, आटा भी हमने यहाँ पे तैयार करके रखा है, ये देखिए। और मैंने खीरा का रायता भी बना के इसमें रखा है। तो ये चीज़ें बन गई है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना लाइव में करती थी तो कहते हैं कि आप अपना ब्लॉग शेयर करिए और रेसिपी शेयर करिए। तो हमने सोचा चलो ठीक है, अक्सर मैं बनाती रहती हूँ बट कहें कि रेसिपी शेयर कर दीजिए, हम कहें चलिए ठीक है रेसिपी शेयर कर दूँगी। आप लोग पूजा का ब्लॉग पसंद करते हो तो पूजा का चला जाएगा, रेसिपी पसंद करते हो रेसिपी चला जाएगा, वो तो मैं सब चीज़ शेयर करती हूँ। तो इसमें मैंने नमक नहीं ऐड किया था। और ये मेरी छोटी सी सिल है, सिल बट्टा, जो कि बड़े ही आसानी से मतलब पिस जाएगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये टमाटर बहुत एकदम रेड हो चुका है, गला हुआ है। तो ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है, मतलब ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी है, बट उसके बाद भी अच्छे से पिस जाएगा। कच्चे टमाटर में थोड़ी रिस्क होती है कि मतलब थोड़ा सा टाइम लेता है या पीसने में, लेकिन टमाटर में उतना वो नहीं है। मैं कुछ इस तरह से टमाटर की चटनी बना लूँगी और आप लोगों से बात भी करती रहूँगी। जैसा कि गर्मी स्टार्ट ही हो गई है आजकल, मैं आप सोच रहे होंगे मैं सिलबट्टा का इस्तेमाल क्यों करी, मेरे पास क्या ग्राइंड मिक्सर जार नहीं है ग्राइंड करने के लिए, नहीं है। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ, वहाँ पे पड़ा है एक मेरा छोटा वाला जार। मैं जब वो कुछ चटनी वगैरह पीसी रही थी तो छोटा वाला जार मेरा ख़राब हो गया, उसमें साथ ही साथ वो नीचे का टूट गया, फिर आवाज़ करने लगा, फिर मैंने उसको हटा दिया। लेकिन मुझे लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ये यही चटनी से सारा चीज़ कर पाऊँगी, मतलब सिलबट्टे से ही, बट मुझे लेना पड़ेगा। बड़ा वाला जार है तो मैंने सोचा चलो यार थोड़ी सी चटनी बनानी है, क्या बड़ा वाला जार उसमें चटनी पीस के फनाए। तो बस इसलिए नहीं मैंने जार का इस्तेमाल किया, और फिर देसी लुक भी आ जाएगा इसमें ना। और यहाँ से मैंने कुकर में दाल इसलिए पकाया है क्योंकि आपको बता दूँ कि मैंने कुकर में आलू बॉयल किया था, और जो मेरी बर्तन मतलब मेरी कल्फर जो है ना, तो जैसे आलू बॉयल कर लीजिए कुकर में या किसी बर्तन में, खास करके सिल्वर वाले बर्तन में, स्टील में भी दाग पड़ता है, लेकिन खास करके सिल्वर वाले बर्तन में ज़्यादा दाग पड़ता है। तो उसमें क्या होता है ना कि एकदम काला हो जाता है, तो फिर अपने से अगर खुद से धुल रहे हो तो फिर थोड़ा सा आप सही से धुल लेते हो। और मैं यहाँ पर जितनी भी चटनी मैंने बनाई है, क्योंकि मैंने जैसे ही बताया गया ना सिलबट्टा मेरा जो है छोटा है, तो मैंने जितनी भी चटनी यहाँ पर बनाई है वो चटनी मैं यहाँ पर हटा लूँगी। और इसके बाद जो आधा बचा है उसको मैं फिर से प्रो कर लूँगी। पहले मैंने इस सिलबट्टे को मैंने नहीं ले रख नहीं रही थी, लेकिन ये बहुत काम का है। काम का इसलिए है कि छोटा सा है, आप इसको एक हाथ से भी हल्के से उठा भी सकते हो इसलिए। और जो बड़ी वाली सिल होती हैं वो थोड़ी बड़ी होती हैं, बुझनी होती हैं, तो फिर उसको स्लैब पर रखना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि इसको हम कर लेते हैं तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। इसका इस्तेमाल भी करेंगे और इसे मतलब थोड़ा सा जो हम लोग ज़्यादा ही कुछ तबीयत ख़राब हो रही है, जो ज़्यादा दिखावा के वजह से या आराम की वजह से कह लीजिए, दिखावा भी है आराम भी है, तो हमारा आराम जो है हराम हो रहा है,
बिजली भी जा रही है और उसके बाद भी वो टेस्ट भी नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है वो टेस्ट भी मिल जाए, टेस्ट भी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी टाइम कम होने की वजह से। हाँ, मैं आपको दाल क्यों कुकर में पका रही हूँ इसके बारे में बताने जा रही थी। तो दाल मैं इसलिए पका रही हूँ, कुकर जो आलू बॉईल किए थे तो वो आलू से एकदम काला हो गया था, और इसलिए मैंने सोचा इसमें दाल बना लूँगी ना, तो ज्योति जब धुलेंगी, मतलब मेरी हेल्पर जब धुलेंगी तो वो थोड़ी से छूट जाएगा, और नहीं तो फिर काला काला सा दाग बना रहेगा, कितना भी मांजेंगी वो काला वाला दाग नहीं जाता है। मतलब अपने से खुद से मांजो तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि मैं दाग बचा रह जाता। हाँ, तो मेरी यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो है छोटा सा सिलबट्टा जो है चटनी पीस के तैयार कर दिया, ये देखिए। तो मैं इसको साइड में रखूँगी, तो चटनी हमारी फाइनली तैयार हो चुकी है। तो ये जो है देखिए, और यहाँ पे है, और मैंने यहाँ पे रख लिया था, जैसे मैंने आपको बताया कि ना चटनी मैं यहाँ पे रख ले रही हूँ, क्योंकि तो इस वाले कटोरी में मैंने इसलिए रखा कि ये जो है सिलबट्टे से थोड़ा सा नीचे है, तो इसमें आराम से जैसे हम लास्ट में करके निकाल सकते हैं। ये देखिए, आराम से हमारा चटनी इसमें आ गया, और बाकी चटनी तो मैं इसमें रखी हूँ, तो मैं इस चटनी को इसमें पलट दूँगी। और ये देखिए, इसको आप धुल के भी डाल लेंगे, लेकिन मैं धुल के डालूंगी नहीं इसलिए, क्योंकि मैंने इस पर भगवान जी का बर्तन रखा हुआ है, तो भगवान जी का बर्तन मैं बर्तन स्क्रब से उसमें लगा दूंगी, तो भगवान जी का बर्तन धुल जाएगा। और ये मेरा सिलबट्टा भी लगे हाथ में, इसमें हटा देना है धुल के। ये देखिए मेरा सिलबट्टा भी धुल गया, और ये छोटा सा जो सिलबट्टा है वो, जैसे मैंने इसको इसका फायदे बताए कि इसका फायदे हैं, स्लैब पे आराम से रख देते हैं, और इसके बाद धुल भी गया, तो हमारा जो हमारा सिलबट्टा जो है धुल गया, और आसानी से इसे उठा सकते हैं, आसानी से इसे हम रख सकते हैं। तो बस मैं यहीं पे खड़ा कर दूंगी इसको, यहीं स्लैब पे, क्योंकि इसका पानी अच्छे से निचोड़ जाए, फिर उसके बाद ही मैं हटाऊंगी। और यहाँ पे जितना स्लैब पे पानी वानी है इसको मुझे सिंक में बहा देना है। अभी मैं आपको बताऊँ कि चटनी तैयार हो गई, दाल तैयार हो गया, रोटी बनानी है, और ये चटनी भी तैयार हो गई, दाल भी तैयार हो गया, और रोटी बनानी है। और जब मैं आज सब्जी नहीं बना रही हूँ, जब मैं सब्जी बनाऊँगी तो सब्जी की रेसिपी भी आप सबके साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि आप लोगों का कमेंट जो था ना वो मैं पूरा ही कर दूँगी, वैसे भी मैं पूरा कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो आटा तैयार किया है वो मैं ले लेती हूँ। मोटा चावल बेचो, मोटा चावल, ऐसे चिल्ला रहे भैया जी। जिसके पास ज़्यादा चावल होता होगा वो अपना बेचता होगा, भाई मेरे पास तो इतना चावल नहीं है कि मैं बेचूं। हाँ, इतना है कि मैं आराम से हमारे परिवार में खा सकते हैं, और इससे चावल से ज़्यादा है कि मुझे गेहूं साफ करना है, गेहूं धुलना है, और ये जो भगोना चाय का बना हुआ है, मतलब ये दूध बॉयल हुआ है, तो इसको भी मैं आपको एक टिप्स बताना चाहूँगी कि अगर आपका किचन छोटा है तो फिर आप उस चीज़ को कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दूध को रखा दूसरे उस पर, मतलब ये देखिए, इस भगोने को मैंने कुकर को हटाया, इस कुकर को रखा, फिर मैंने आप इस तरह से कुछ जाली है तो आप उसका इस्तेमाल कर लोगे तो कुकर आराम से बैठ जाएगा। और मैंने थोड़ा सा इसको स्पेस दिया है कि थाड़ी थोड़ा सा गैस वैसे ना बनाया, हालाँकि इतना गर्म नहीं है कि गैस बनाएगा। अगर इस बात का आप ध्यान देते हो तो मान लीजिए गर्म भी है तो आपका गिरेगा भी नहीं,
और मेरा यहाँ पे दोनों रख भी गया है ना आराम से, तो हमारा जो जगह है वो भी सिमट गया है। और तवा में कहाँ रखी हूँ, हाँ तवा लेना है मुझे यहाँ से। अभी कुछ बर्तन रखे हैं, वहाँ पर हवन हुआ था तो हवन जो हुआ है उसकी राख को पॉलीथीन में डाल देना है, और उसके बाद राख को पॉलीथीन में डाल के उसको मांजना है, तो भिगो देंगे तो वो मंज जाएगा। तो मैंने गैस ऑन कर लिया है, अब फाइनली मैं बनाऊंगी रोटी। तो मेरा जो सिलबट्टा है यहाँ पे रखा हुआ है छोटा सा, और रोटी बना लूँगी। तो उसके बाद बचेगा चावल, चावल थोड़ा सा आजकल देखना पड़ रहा है कि इसमें कीड़े वीड़े तो नहीं है, तो चावल बनाने के लिए मुझे देखना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। बाय।